देखना है निमोनिया, निमोनिया किसके कारण होता है और ये बच्चों में अधिकांश कारण जो होता है निमोनिया क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछे क्वेश्चन कि निमोनिया किसके कारण होता है, जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित रोग है, तो याद रखिएगा ये जो निमोनिया है आपको जीवाणु जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु थोड़ा कम खतरनाक होते हैं और विषाणु जो होता है अधिक खतरनाक होते हैं। तो ये होता है जीवाणु, किस जीवाणु के कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो जीवाणु होते हैं उसी के कारण निमोनिया होता है। ठीक है, पहले इसमें तो ये बात होता है कि बच्चों में क्यों पाया जाता है, तो बच्चों में जो होता है ये सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है बच्चों के पास उतना क्षमता नहीं होता ठंडा गर्म को क्या करे महसूस कर सके, ठंडा गर्म को सहन कर सके। इसलिए इसमें क्या होता है कि म्यूकस जो होते हैं ये आपको फेफड़ा में प्रवेश कर जाएंगे, फेफड़ा का जो वायु कोष्ठक होता है उस वायु कोष्ठक में जो होता है ये प्रवेश कर जाते हैं और म्यूकस जम जाता है। तो जितना म्यूकस बनेगा ना, तो ये म्यूकस जैसे ही फेफड़ा बनेगा तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने देगा बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि जो इसमें छिद्र है उस छिद्रों में म्यूकस भर जाता है और यही म्यूकस जब सामान्य से अधिक हो जाते हैं तो सांस आईवे अंदर बाहर करवे नहीं करेगा, इसलिए व्यक्ति को क्या है बच्चों को क्या करना पड़ता है मरना पड़ता है। तो इसमें कोई पूछेगा प्रभावित कौन होता है, तो इसमें होता है फुसफुस फेफड़ा निकल सकते हैं, फेफड़ा का कौन वायु कोष्ठक, इसमें क्या होता है म्यूकस भर जाते हैं और वही म्यूकस भरने के कारण अंदर बाहर जो होता है ऑक्सीजन नहीं भरते। इसीलिए देख लेंगे कि बच्चा जब छोटा रहता है ना निमोनिया का अगर शिकायत है तो सांस लेगा ना तो घर घर की क्या होगी आवाज होता है, तो इसका मतलब उसको निमोनिया हो गया। ठीक है, इसमें लक्षण अगर आप देखेंगे तो उसको पहले तो लक्षण है सांस लेने में उसको क्या होगी तकलीफ होगी। दूसरा देखिएगा उसका नाखून जो है ये नाखून नीला हो जाएगा, लिप्स उसका देखिएगा वह लिप्स कैसा होगा वो भी आपको नीला कलर दिखाई देगा, सांस लेने में उसको तकलीफ होगी। ठीक है, उसमें बुखार आ जाएगा, उसको बुखार होगा और इसके अतिरिक्त जो उसके सर में दर्द होगा, तो ये सारी अगर लक्षण दिखे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि बच्चे को क्या हुआ निमोनिया हुआ। और निमोनिया से बचने का उपाय क्या है कि उसके प्रारंभिक दौर में मतलब शिशुअवस्था में उसको ठंडे चीज़ों से बताना चाहिए। ठीक है, अगर उसको स्नान करा रहे तो थोड़े हल्के नमे गर्म पानी से स्नान करें, ठंडे चीज़ों से उसको बचा कर रखें, इसके अतिरिक्त तो माँ को भी बच के रहना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के कारण जो होता है आपको निमोनिया, वही बात यहाँ पर लिखा गया कि फेफड़ा के वायु कोष्ठक में म्यूकस क्या होता है भर जाता है, उससे सांस लेने में तकलीफ, वही घर घर की क्या होगी आवाज आएगी। होंठ लिप्स यानी इसको होंठ और नाखून इसका रंग कैसा होगा नीला हो जाता है, देखिएगा नीला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसको सांस लेने में बहुत परेशानी होगी, उसे खांसी होगी और क्या होगा सिर दर्द होता है। ठीक है, ये सिर दर्द बड़ों में इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का अगर घर घर बजे हैं तो हम लोग खटखा के थूक देते हैं, तो उस कंडीशन में होने की संभावना नहीं था, लेकिन इन लोगों में बच्चों में होने की संभावना क्योंकि उतना तरीका से कर नहीं सकता, इसीलिए इसमें अधिक होने की